नमस्कार, मैं संजना भारद्वाज आज बनाने जा रही हूँ शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा एक ऐसी रेसिपी है जिसको शादी में, पार्टी में, सभी जगह हम खाते हैं और घर पे भी आसानी से बना सकते हैं। तो मैं शाही टुकड़ा को दीपावली के शुभ अवसर पर बना रही हूँ, क्योंकि मार्केट में मिठाइयों में बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए ये एक ऐसी डिश है जिसको सभी पसंद करेंगे। तो आप भी दीपावली पर बनाइए शाही टुकड़ा। तो देखते हैं इसके लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए और बनाना भी शुरू करते हैं। शाही टुकड़ा बनाने के लिए 1 लीटर हमने फुल क्रीम दूध लिया है और आधा कप चीनी ली है। हमने 7 से 8 फ्रेश ब्रेड ली हैं और ब्रेड हमको बिल्कुल ताज़ा चाहिए, फ्रेश ब्रेड। ये हमने देसी घी लिया है जिससे हम ब्रेड को सैलो फ्राई करेंगे। 5 हमने बादाम लिए हैं, 5 काजू और 6 से 7 हमने पिस्ते लिए हैं जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। हमने 1/4 टीस्पून इलायच पाउडर लिया है और थोड़ी सी किशमिश ली है और 2 टीस्पून मैंने चीनी ली है जिसको मैं रबड़ी के अंदर डालूंगी। और आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज्यादा। जो आधा कप चीनी ली है उसकी मैं चाशनी बनाऊंगी। अब हम शाही टुकड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रबड़ी को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम गैस को ऑन करके कढ़ाई में दूध डाल देते हैं और हम दूध को चलाते रहेंगे, इसमें उबाल आने देते हैं। तो इसमें मलाई पड़ना शुरू हो गई है तो साइड से हटाते रहेंगे ताकि हमारी ये रबड़ी है अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। तो ऐसे ही चलाते रहेंगे और साइड से हटाते रहेंगे। दूध को हमको इतना गाढ़ा करना है तब तक कि ये 1/4 नहीं हो जाए और साइड साइड से इसको चलाते रहेंगे इसी तरह से। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा दूध काफी गाढ़ा हो चुका है। अभी हमको इसे और गाढ़ा करना है और साइड से हटाते चलेंगे। तो हमारा दूध काफी गाढ़ा हो चुका है तो इसको और चलाना है। फिर इसके बाद हम चीनी ऐड करेंगे इसमें। तो शाही टुकड़ा के लिए हमको रबड़ी की कंसिस्टेंसी इस तरह की चाहिए। हमें शाही टुकड़े के लिए इतनी गाढ़ी रबड़ी चाहिए। अब मैं इसके अंदर चीनी को डाल देती हूँ और हम इसमें अब इलायची पाउडर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा ठंडा होकर और भी गाढ़ी हो गई है। इस तरह से हमारी शाही टुकड़े के लिए रबड़ी बनकर तैयार है। गैस को ऑफ कर देते हैं और रबड़ी को हम किसी बाउल में निकाल लेते हैं। जब तक हमारी रबड़ी ठंडी हो रही है तब तक हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं शाही टुकड़े के लिए। गैस को ऑन कर देते हैं, जो हमने आधा कप चीनी ली थी उसको डाल देते हैं। हमने चाशनी के लिए आधा कप चीनी ली है तो हम 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी डाल देते हैं। इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल देते हैं। ये मैंने आपको बताया नहीं था, ये ऑप्शनल है, लेकिन इसमें चाशनी में कलर भी बहुत अच्छा आता है इससे और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ी देर हम इसको चलाएंगे तब तक चीनी घुले। एक उबाल आने के बाद गैस को कम कर देंगे और चाशनी हमारी 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। 5 से 6 मिनट के अंदर हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। हमको इसको एक तार की चाशनी बनानी है, बहुत ज्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी। जैसे हम जलेबी और गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं उसी तरीके की चाशनी चाहिए हमको शाही टुकड़े के लिए। चाशनी लगभग हमारी बन चुकी है, इसको बीच में चेक करते हैं। अब देख सकते हैं उंगली के और अंगूठा के बीच में ये चाशनी चिपक रही है और एक तार खिंच रहा है, तो आप सावधानी से लीजिएगा, मुझे तो थोड़ी प्रैक्टिस है। तो चाशनी हमारी बन चुकी है, इसको साइड रख देते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं। थोड़ी देर इसको ठंडा होने देते हैं। आप किसी भी चाकू से काट सकते हो ब्रेड को। मैं ब्रेड नाइफ ले रही हूँ ब्रेड को काटने के लिए। मैं ब्रेड को तिकोने पीस में काट रही हूँ। आप चाहें तो चौकोर या किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। तो हम सारी ब्रेड इसी तरीके से काट लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। अब हम गैस पर फ्राई पैन रख देते हैं। आप चाहें तो तवे पर भी सेक सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी डाल देते हैं सैलो फ्राई करने के लिए। हम ब्रेड को सैलो फ्राई कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये सैलो फ्राई से भी काफी अच्छे शाही टुकड़े बनते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है, जो हमने ब्रेड के पीस काटे थे उनको डाल देते हैं और गैस को हम कम ही रखेंगे, बहुत ज्यादा तेज नहीं रखना हमको। एकदम ये शाही टुकड़े के लिए जो ब्रेड सेकनी है कड़क करनी है बिल्कुल। अब हमारी ब्रेड एक साइड से सिक चुकी है तो इनको हम पलट देते हैं। अब हमारी ये ब्रेड सिक चुकी हैं, इनको निकाल लेते हैं। बाकी ब्रेड भी इसी तरह से सेक लेंगे। अब हमारी रबड़ी भी ठंडी हो चुकी है और चाशनी भी ठंडी हो चुकी है और शाही टुकड़े भी सिक चुके हैं। तो हम शाही टुकड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक टुकड़ा उठाएंगे और चाशनी के अंदर डिप करेंगे और इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा चाशनी को निकालते हुए एक प्लेट में इनको लगाते जाएंगे। इसी तरह से सभी टुकड़ों को चाशनी के अंदर डिप करेंगे और निकाल लेंगे और एक प्लेट में लगाते जाएंगे।
सभी शाही टुकड़ों के ऊपर चाशनी लग गई है। अब हम इनके ऊपर रबड़ी लगाना शुरू करेंगे। तो अब हम रबड़ी डालना शुरू करते हैं। शाही टुकड़े के ऊपर हमने रबड़ी को डाल दिया है। अब हम कटे हुए ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट कर देते हैं। इस तरह से हमारे शाही टुकड़े बनकर तैयार हैं। आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। इस दिवाली आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए। धन्यवाद।